Hi, I am Vikas Halawat. I have scored the highest marks in history optional and I'm going to help you out कि world history को prepare कैसे करना है. जो भी हम लोग universities वगैरह background से होते हैं वहाँ world history को इतना ज़्यादा importance दिया नहीं जाता. एंड फाइनली हम सब लोग यही समझते हैं यार कि क्या करना है, मॉडर्न से दो क्वेश्चन करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देंगे. और फाइनली आपको समझ में आता है कि मॉडर्न हिस्ट्री भी इतना आसान नहीं है ना. चलो मॉडर्न वर्ल्ड को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग इट, फर्स्ट आई ब्रीफली टॉक अबाउट कि मिस्टेक्स क्या होती है हम लोगों से, सही से प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए. इन्हीं मिस्टेक्स से सीखेंगे और उसको इसके अंदर हम पॉइंट आउट करेंगे, भाई ये चार चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए. देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्या स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे वीडियोज़ के थ्रू आपको यूट्यूब पर मिलेंगे. एंड फाइनली इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट वट यू हैव टू डू, आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. दिस विल बी वेरी ब्रीफ वीडियो, तो स्टे विद मी टिल द एंड. सिर्फ 4-5 मिनट इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो एंड इवेंचुअली विल गेट अ वेरी गुड आउटकम फॉर दिस. सो मिस्टेक्स क्या है, सबसे पहला है सिलेबस. सिलेबस जो है इट्स रिलेटिवली वाइडर, ओके. मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स विच आर देयर, सम ऑफ देम दे आर नॉट वेरी वेल कनेक्टेड टू ईच अदर. जैसे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर है वो यूनिट 3 में यूपीएससी ने डाल दिया, इवन दो मैनी ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म वो लास्ट में आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं हम सब लोगों के लिए. सिमिलरली सम स्टूडेंट दे कीप ऑन स्टडिंग अबाउट रेनेसा, जो कि शायद सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, हमने तो अभी क्वेश्चन देखा नहीं काफ़ी सालों से. ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना है कौन सा पार्ट ऑफ द सिलेबस इज मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लुक दिस इज अ बैटल फील्ड, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि सारा एक साथ अच्छे से आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है उसमें आप 100% आना चाहिए आपको. सेकेंड, कौन सा बुक पढ़ना है इसके लिए स्पेसिफिकली, चाहे वो एलन मुखर्जी है या फिर रंजन चक्रवर्ती से काम चल जाएगा, नॉर्मल लू से काम चल जाएगा, या BA इग्नू पढ़ना है या MA इग्नू पढ़ना है, कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं विच वी शुड स्टडी फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, वो हमें नहीं पता होते ढंग से. इस चक्कर में क्या होता है, अगर आप रंजन चक्रवर्ती पढ़ने जाते हैं तो एनलाइटनमेंट उसमें अच्छे से कवर नहीं होता. सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वो भी उसमें अच्छे से कवर नहीं है. तो कुछ कुछ एरियाज हैं जो हमें दिक्कत आती है विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस, तो उसको हम अच्छे से डिलीनेट करना सीखना पड़ेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट्स बीन 40 years सिंस UPSC इज कंडक्टिंग दिस एग्जाम, तो हमें वो भी देखना है कि कैसे उसको अपने हिसाब से चेंज करना है, भाई कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है. विद इन PYQ ऑल्सो क्या होता है ना, कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं एक बार और फिर दोबारा कभी रिपीट नहीं होते. सम एरिया सम डायमेंशन ऑफ सम स्पेसिफिक PYQ जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर PYQ को आप नहीं लिख पाओगे. एंड द लास्ट अप्रोच इज वेरी वेल कनेक्टेड टू दिस. क्या आप सोचते हो कि सारे PYQ के मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे या सारों के आप आंसर राइटिंग कर लोगे, इट्स अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क. तो इसी के बेसिस पे हमें यह सीखना है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करना है और किस तरीके से हमें उसका फाइनल आउटकम लेके आना है. सो अप्रोच जो हमें फॉलो करनी है, देखो बड़ा ही आसान हो गया, हमने जैसे ही गलतियाँ अपनी समझी हमें समझ में आया कि 4-step अप्रोच होनी चाहिए. नंबर 1, नो द रीड द स्पेसिफिक बुक विच यू हैव टू रीड एंड विच स्पेसिफिक पार्ट. डोंट रीड ऑल द बुक्स ऑल द चैप्टर्स, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वट एवर आई एम टेलिंग यू आप उतना कर लीजिए. सेकंड, अंडरस्टैंड द PYQs एज वेल एज द ट्रेंड ऑफ दीज PYQ कि यस, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, नेपोलियन पे आता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन पे आता है, अमेरिकन सिविल वॉर पे आता है, दीज आर गोइंग टू बी आर प्रायोरिटीज. इंस्टीट्यूशंस पे अगर क्वेश्चन ज्यादा आता है, UN वगैरह पे, तो आपको समझना पड़ेगा ट्रेंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट प्लेन रीडिंग ऑफ PYQ. सो वो हम आपको समझना पड़ेगा. थर्ड, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक सपोज इफ समबडी सेज बैलेंस ऑफ पावर, अगर आपको टॉपिक की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो बहुत सारी जगह पे आप इसको मेंशन नहीं कर पाओगे एंड यू विल बी फेसिंग दिस कीवर्ड डेफिसिट. अब कीवर्ड डेफिसिट जैसे ही होती है आंसर राइटिंग में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. तो दैट्स वाई सम टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इवन इफ डायरेक्ट क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड. तो ये चीज़ें इस थर्ड वाले के पार्ट में आती है. एंड फोर्थ, स्पेसिफिक आंसर राइटिंग इटसेल्फ. देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम मैक्सिमम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिर्फ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर घुसते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स दे आर पॉलिटिकल इन नेचर. सो आंसर राइटिंग इज रिलेटिवली प्लेन इन कंपैरिजन टू मॉडर्न हिस्ट्री, बट स्टिल हेयर ऑल्सो यू हैव टू सी कितना हिस्टोरियोग्राफी करना है, विच कीवर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. अगर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो कहाँ से हमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, लास्ट में कंक्लूजन को कहाँ तक लिंक करना है, दिस इज द एरिया विच वी हैव टू स्पेसिफिकली वर्क अपॉन. सो वट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस 12 पार्ट में डिवाइडेड है, सो आई बी मेकिंग 12 वीडियोज फॉर दैट पर्पज. ऑलराइट, सेकंड, इन एवरी वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द लास्ट 40 years एज वेल एज द PYQs रिलेटेड टू दैट. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई बी इंडिकेटिंग कौन सा पेज पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, तो प्लीज लिमिट योर सेल्फ टू दिस इफ यू विश टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर 2024 एज वेल एज 2025.
इसको लिमिट करना सीख लेना। यूपीएससी में शुरुआत में लगता है कि कर लेंगे, महीने दर महीने बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता, फाइनली आउटकम ही नहीं आता है। एवरीथिंग दैट आई हैव बीन डिस्कसिंग टू यू, हर इस पे आपका आउटकम आने ही वाला है, ठीक है, बस ध्यान से इसको समझ लो। सो लास्ट पार्ट, विल बी प्रोवाइडिंग मेनी डॉक्यूमेंट्स, ओके, एंड इफ यू विश टू गेट एक्सेस टू देम, दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू फिल द फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल इवन ऑल्सो गेट द एक्सेस टू वेबिनार, यू विल गेट अ मेंटरशिप कॉल कि भाई वेबिनार आपको करना है नहीं करना है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट दे फिल अननेसेसरली, वो किसी और ऑप्शनल का भी फिल करने लग जाते हैं, दैट्स वाई स्क्रीनिंग प्रोसेस किया जाता है उसके लिए। सो इफ यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म, यू विल गेट अ कॉल, यू विल गेट एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज द एक्सेस टू द वेबिनार दैट आई विल बी कंडक्टिंग स्पेसिफिकली फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट पार्ट, प्लीज वॉच ऑल दीज 12 वीडियो। देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, बहुत ज्यादा बड़े वीडियोज नहीं होंगे, द एवरेज लेंथ विल बी फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सो रफली 1 to 2 आवर्स के अंदर आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी लेके आ सकते हो। ऑलराइट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रीड ऑल द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स, एंड फोर्थ अपना नोट डाउन कर लो क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है और किस तरीके से आ रही है, एंड आस्क टू मी दैट इन योर वेबिनार इटसेल्फ, जो भी आपका डाउट होगा उसको रिजॉल्व कर लेंगे इसके हिसाब से। ऑलराइट, सो नेचुरली द लास्ट पार्ट इज वेरी क्लियर, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि टाइम पे आपको अपडेट मिलता चले, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको मिलती जाएंगी सारी चीज़ें, नंबर्स आपके सामने हैं, यू कैन कॉल देम इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑप्शन और इवन जनरल स्टडीज, पूछ लो यार, हमें तो हर चीज़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट, ट्राई योर लेवल बेस्ट, कन्फ्यूजन में प्रिपरेशन मत करो, जितना ज़्यादा हम कन्फ्यूजन में प्रिपरेशन करते रहेंगे हमेशा बस होप करते रहेंगे शायद हो जाएगा शायद हो जाएगा, अच्छे से डाइसेक्ट करो, डाइसेक्ट करने के बाद इवेंचुअली डू योर लेवल बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस इटसेल्फ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द वीडियोस एज वेल एज द वेबिनार्स, थैंक यू सो मच।